जय श्री कृष्णा। नीलम के किचन में आपका स्वागत है। तो गणेश जी आने वाले हैं और मोदक और लड्डू तो हर घर में बनता है। आज बनाएंगे हम रवा मोदक यानी सूजी के मोदक। तो मोदक आटे से भी बनते हैं, बेसन से भी बनते हैं, मावा मोदक भी बनते हैं, मतलब हर तरीके के मोदक बनते हैं। लेकिन आज हम रवा मोदक बनाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। और हम बनाएंगे आज बगर स्टेन्ड। तो आप सोच रहे हो कि बगर स्टेन्ड बगर मोल्ड कैसे बनाएंगे मोदक, तो बनाएंगे और बिल्कुल आसान तरीका। तो चलो बनाते हैं। मोदक बनाने के लिए हमने ये घी और एक कटोरी सूजी और ये नारियल का बुरादा, किशमिश, बादाम, काजू और इलायची। ये देखिए हमने ये कढ़ाई ली है और कढ़ाई हमने रख दिया, गैस चालू कर दिया है। वो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब डालेंगे हम इसमें घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी हमारे अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब डालेंगे इसमें हम सूजी, और ये हमने बारीक सूजी ली है। मोदे के लिए बारीकी सूजी लेनी है, आपके पास मोटे है तो उससे थोड़ा। ये देखिए सूजी हमने डाल दी है और इसे हम धीमी आंच में ही भूंजेंगे। धीमी आंच पे इसे हम 4 से 5 मिनट तक भूंजेंगे और इसका हमें ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है। और इसे हमें चलाता रहना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गई है और हमारी सूजी का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, ज़्यादा नहीं करना। अब डालेंगे हम इसमें नारियल का बुरादा, इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए 1 मिनट हो गई है और हमारे नारियल का बुरादा भी अच्छे से भून चुका है। अब डालेंगे हम इसमें चीनी। अब डालेंगे हम 1 गिलास दूध लिया है, तो 1 गिलास दूध डालेंगे और चाहिए तो हम और डाल देंगे। ये देखिए हमने 1 गिलास दूध डाल दिया है और हमें लगता है थोड़ा 1 गिलास दूध और डालेंगे, तो मैं 1 गिलास दूध और ले रही हूँ। यानी हमने 1 कटोरी सूजी ली है तो 2 कटोरी दूध डाल दिया। तो हम अच्छे से मिलाएंगे और ये देखिए अब हमें ज़्यादा दूध नहीं चाहिए। अब इसे हम पकने देंगे जब तक दूध को सोख ले सूजी, जब तक इसे पकाएंगे। इसमें डाल रहे हैं हम किशमिश और ये देखिए हमारे सूजी ने दूध को सोख लिया है। लेकिन अभी इसको हम और टाइट करेंगे, इसका डो बनाना है। अब डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच घी और मिला। ये देखिए हमारे मोदक का डो अच्छे से बन चुका है, ये कढ़ाई छोड़ने लग गया है। ये देखिए अब हम कर देंगे गैस बंद और हमें इस तरह का कढ़ाई चाहिए और इसे हम ठंडा होने देंगे। इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमने निकाल लिया है, अब इसे हम ठंडा होने देंगे। जब तक करेंगे हम इसमें से हम थोड़ी सी बेटर को यानी सूजी को निकाल ली है और इसमें हम बनाएंगे स्टोपिंग जो हम मोदक के अंदर भरेंगे। जब तक हम बना लेते स्टोपिंग, तो ये हमने काजू बादाम ये हमने कट कर ली है और यह है इलायची। तो इलायची हम थोड़ी बेटर में भी डाल देंगे और इलायची को इसमें भी डाल देंगे और हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नारियल का बुरादा और अच्छे से मिलाएंगे। आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं कलर के लिए, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए हमारी स्टोपिंग बन के तैयार है और ये ठंडा भी हो गया। इसके हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो हम इस तरीके की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। सारी स्टोपिंग की हम इस तरीके से बॉल बना लेंगे बॉल्स। ये देखिए हमने सारी बॉल्स बना ली है।
तो ये देखिए हमारा बैटर भी ठंडा हो चुका है। इसे हम अच्छे से मिक्स लेंगे। तो ये देखिए इसका सॉफ्ट सा डो लग गया है, हमारे मोदक बनाने के लिए तैयार है इसका डो। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है और ठंडा भी अच्छे से हो चुका है। अब इसके हम बनाएंगे, थोड़ी बड़ी लोई तोड़ेंगे इसके और इसको हम इस तरीके से गोल बनाएंगे और इस तरीके से हम चिपटा बना लेंगे, इस तरीके से बताएंगे। और इसके अंदर रखेंगे हम जो हमने बॉल्स बना रखी है स्टोपिंग की, तो इस तरीके से रख देंगे और इसे हम इसे उठाएंगे और ऐसे घुमाते हुए इसे गोल 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 घुमाते हुए इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए हमने बना लिया है और हम साचे से नहीं बना रहे हैं आज मोदक, तो आपको मैं चम्मच से और इस तरीके की आपके पास होवे जो भी बोलते हो इससे आप चिमटी या जो भी, तो इस तरीके से आप बनाना है। इस तरीके से घुमाते जाएंगे और हम बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे मोदक बना लेंगे हम, बनाएंगे हम चम्मच से। तो हम लोई तोड़ेंगे और इसको इस तरीके से गोल बनाएंगे और इसको चपटा करेंगे और इसकी लोई अंदर रख लेंगे। आपको छोटा बनाना है तो इसकी लोई ये अंदर की बॉल्स छोटी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है और इसकी लोई भी ज़्यादा नहीं तोड़नी है। ये देखिए हमने दूसरा मोदक भी बनाकर तैयार कर लिया, इसमें हम चम्मच की सहायता से करेंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से बनाएंगे। ऐसे घुमाते जाएंगे और इसको हम बनाते जाएंगे। तो आपको जैसा अच्छा लगे उससे बना सकते हैं और आपके पास कांटेदार चम्मच हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो मैं सारे मोदक इस तरीके से बना लूंगी। ये देखिए हमने सारे मोदक बना लिए हैं और लग रहे ना, आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये आपने स्टैंड से बनाया, यानी छोरी यानी साँचे से या मोड़ से बनाया है, ऐसा लग रहा है ना। ये देखिए आसान तरीका है। तो हमें टोटल 10 मोदक 10 मोदक बना लिए हैं। तो मैं आपको एक मोदक काट के दिखा देती हूँ अंदर की इसकी। ये देखिए इसकी स्टोपिंग अंदर से नहीं अच्छी दिख रही है। तो ये लीजिए हमारे रवा मोदक बनके तैयार है और बिल्कुल सांचे जैसा दिख रहा है। तो फिर आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके बगैर सांचे आपका मोदक बहुत अच्छे से बन जाएंगे और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और गणेश जी आने वाले हैं, मोदक और लड्डू तो हर घर में बनता है, तो आप भी बनाइए बगैर सांचे और बगैर मोड़, आसान तरीका और टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।